Hello everyone, this is Mansi from evithyati.in. Now we are starting with exercise 9.2, question number 1. So the question number 1 says, find the sum. Ab aapko iska sum nikalna hai. First part mein aapke paas hai 5 upon 4 plus minus 11 upon 4. Now you can see jo rational numbers hote hai, wo fractions ki form mein hote hai. Humne fractions ka ek pura chapter kiya hai. इसलिए वी नो कि अगर हमें फ्रैक्शन में दो नंबर्स को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, सो उसके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है. अगर सेम ना हो तो हम उसे सेम पहले बनाएंगे, फिर ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल, 5 upon 4. नाउ प्लस माइनस 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 11 upon 4. दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ये 4 आ गया, दिस इज 4 into 1, 4, अगेन 4 into 1, 4, मींस ऊपर वाले भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट? सो ये हो गया 5 minus 11. नाउ 5 minus 11 इज, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 and 11, यू कैन सब्ट्रैक्ट 5 from 11. सो दिस विल गिव मी 6, एंड नॉट 6 minus 6, बिकॉज बड़ा वाला 11 है और उसके साथ माइनस का साइन है. सो दिस विल कम एज -6 upon 4. इसको आप फर्दर कट कर सकते हो, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, -3 upon 2. सो द आंसर इज -3 upon 2. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट में आपके पास है 5 upon 3 plus 3 upon 5. Now you can see कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो दिस मीन्स कि हमें पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम उसे ऐड कर सकते हैं. सो वील टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 3. आई एम स्टार्टिंग विद 5, वी गेट 1 and 3, देन 3, 1 and 1. 5 into 3 इज 50. सो दिस मीन्स कि मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना है. देखो, अब इसको करने का एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्ट कट है. लॉन्ग कट में क्या है कि आप पहले 5 upon 3 लो, उसका डिनोमिनेटर 15 बनाओ, फिर 3 upon 5 लो, उसका डिनोमिनेटर 15 बनाओ, फिर जो नंबर्स आपके पास आएंगे उसको ऐड कर दो. इसके अलावा एक जो शॉर्ट कट है उसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि हम मिस्टेक ना करें. सो अब मैंने डायरेक्ट यहाँ 15 लिख दिया, मुझे पता है 3 और 5 को 15 बनाना है. तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 into 5, राइट? तो अगर 3 को 5 से किया तो 5 को भी 5 से करना पड़ेगा, लाइक दिस. देन 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 जा, तो 5 into 3. सिमिलरली डिनोमिनेटर 3 से किया है तो न्यूमिनेटर भी 3 से होगा, राइट? अब देखो, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, ऑलरेडी नीचे है, प्लस 3 3 जा 9, एंड 5 3 जा 15, ऑलरेडी नीचे है. सो नाउ ऑल यू हैव टू डू इज इन दोनों को ऐड कर दो. सो 25 प्लस 9 इज 34 upon 15. ठीक है, सो आपके पास आ गया 34 upon 15. नाउ यू कैन सी ये आगे फर्दर कट नहीं हो सकता, सो दिस विल बी दी आंसर. फाइन, इसको अगर आप अलग अलग करके करते तब भी सेम आंसर आएगा, बट यू शुड डू इट दिस वे, बिकॉज अब आप बड़े हो गए हो और आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए. फाइन, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपके पास है -9 upon 10 plus 22 upon 15. अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो इसका एलसीएम लेंगे 10, 15, एंड एलसीएम लेंगे हम इसको 5 के टेबल से दोनों को हो सकते हैं. सो आई टेक 5 ओवर हियर, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एंड देन 2 के टेबल से वील गेट 1 and 3, एंड देन 3 के टेबल से वील गेट 1 and 1. सो 5 2 जा 10, 10 into 3, 30. सो मीन्स के मुझे इनका डिनोमिनेटर 30 बनाना है. अगेन वील यूज दी शॉर्टकट, डायरेक्ट 30 यहाँ पे लिखा, 10 के टेबल में 30 कब आता है? 10 3 जा 30. सो डिनोमिनेटर अगर 3 से किया तो न्यूमरेटर भी 3 से होगा. सो 9 3 जा 27, लेकिन
माइनस का. सो दिस विल कम एज माइनस 27 प्लस 15 इंटू वॉट इज 30. 15 के टेबल में 30 कब आता है? 15 टू जा, तो 15 इंटू 2 किया है. डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 22 इंटू 2, इट्स वेरी सिंपल. 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 अगेन, सो वी गेट 44. नाउ अब आपके पास है माइनस 27 प्लस 44. सो यू कैन सी वी हैव 1 माइनस और 1 प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस. सो 44 माइनस 27, वी गेट 4 माइनस 7, दैट विल बिकम 14 एंड ये हो जाएगा 3. 14 माइनस 7 इज 7 एंड 3 माइनस 2 इज 1. तो हमारे पास आ जाएगा 17. नाउ देखो अब ये 17 तो आ गया लेकिन प्लस का रहेगा, इसे माइनस का नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारे पास बड़ा नंबर क्या है? 44, और 44 के साथ प्लस का साइन है. सो वी विल गेट 17 अपॉन 30. फाइन, सो द आंसर इज 17 अपॉन 30. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आपके पास है माइनस 3 अपॉन माइनस 11 प्लस 5 अपॉन 9. ये जो माइनस 3 अपॉन माइनस 11 है, यू कैन सी कि यहाँ पे हम इसको माइनस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज अगर न्यूमरेटर में भी आपके पास माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है. ओके, सो ये हो गया 3 अपॉन 11 एंड 5 अपॉन 9. सो अगेन 11 और 9 डिनोमिनेटर अलग अलग है, सो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. वी हैव 11 एंड 9. 11 से करेंगे वी विल गेट 1, देन डायरेक्ट आप चाहो तो इसको 3 से कर सकते हो, विल गेट 3, 3 एंड देन अगेन 3, और या फिर हम इसे डायरेक्ट 9 से करके ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, सो 11 इंटू 9 इज 99. अब आपको यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर को 99 बनाना है. सो एलसीएम से पता चल गया नीचे आएगा जी 99. नाउ 11 के टेबल में 99 कब आता है? 11 इंटू 9 इज 99. सो अगर इसको 9 से किए तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा. सिमिलरली 9 के टेबल में 99 कब आएगा? सो यू कैन सी अगर 11 इंटू 9 99 है, सो 9 इंटू 11 भी 99 होगा. सो 9 इंटू 11, अभी 9 को 11 से किया तो 5 को भी 11 से करना पड़ेगा, राइट? 5 11 सा तो नहीं पता लेकिन 11 5 सा तो पता है. सो 11 5 सा 55. लेकिन पहले हम इसका लिखेंगे 3 इंटू 9 27 प्लस 55. ठीक है, नाउ आपको इसे ऐड करना है. सो लेट्स ऐड दिस, 7 प्लस 5 इज 12. वी विल गेट 5 6 7 8. सो वी विल गेट 82 अपॉन 99, राइट? अब आपके पास 82 अपॉन 99 आ गया. आपको लगता है किसी टेबल में आते होंगे? वेल आई डोंट थिंक सो. सो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं. आप एक और चीज कर सकते हो, जब आपके पास ऐसे नंबर्स आए तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको करना ही है. आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. सो नाउ दिस वॉज फोर्थ पार्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपके पास है माइनस 8 अपॉन 19 प्लस माइनस 2 अपॉन 57. सो 1957, अगेन आपके पास अलग अलग डिनोमिनेटर है, इसको पहले सेम बनाना पड़ेगा. सो विल टेक द एलसीएम ऑफ 19 एंड 57. सो वी कैन सी 19 और 57 दोनों ही 19 के टेबल में आते हैं. सो 19 विल गेट 19 वन्स आर 19 एंड 19 थ्रीज आर 57. सो अगेन 3 से करेंगे विल गेट 1 एंड 1. नाउ 19 इंटू 3 इज 57, राइट? सो अब हमें पता चल गया एलसीएम 57 आया है, मींस कि आपको डिनोमिनेटर्स को 57 बनाना है. सो नीचे ले लेंगे हम 57. नाउ 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 57 आए? 19 इंटू 3. अब अगर डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3. एंड नाउ कमिंग टू दिस साइड 57, नीचे भी 57 है, मींस इंटू 1 इंटू 1. सो नाउ
8 into 3 is 24, लेकिन माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है. अगेन 2 1s are 2, बट प्लस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा -2. फाइन, सो नाउ यू हैव -24 एंड -2, माइनस माइनस प्लस, सो 24 + 2 is 26. लेकिन साइन किसका आएगा? साइन हमारे पास आएगा माइनस का, बिकॉज 24 के साथ माइनस का साइन है. सो वी विल गेट -26/57. फाइन, नाउ कमिंग टू द सिक्स पार्ट. अब सिक्स पार्ट बहुत सिंपल है, -2/3 + 0. नाउ अब इसको ऐसे नहीं करना कि 0/1 लेके इसका एलसीएम सेम करने लग जाओ, बिकॉज हमें पता है कि चाहे कोई भी नंबर, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं सो वो नंबर एज इट इज रहेगा. सो दिस मीन्स कि अगर हम -2/3 में जीरो ऐड करते हैं सो वी गेट द आंसर -2/3. फाइन, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट में आपके पास है अब -2/1/3 + 4/3/5. नाउ हमारे पास रैशनल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है, सो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सेम करेंगे. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में करना है. सो 3 into 2 6 + 1 7, वी गेट 7/3, राइट? एंड देन लेकिन रिमेम्बर दिस इज माइनस, सो माइनस का साइन, देन प्लस. अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 5 4 20 + 3 23/5. ठीक है, अब आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया, ऐसे क्वेश्चन हम अभी तक करते हुए आ रहे थे, तो ये सेम होगा. अगेन 3 and 5, अब आपके पास डिनोमिनेटर 1 3 है 1 5 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा. सो वील टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 5, वील गेट 3 1 5 5 1 1. सो नाउ 5 into 3 is 15, सो मीन्स कि मुझे इनका डिनोमिनेटर 15 बनाना है. सो आई राइट 15 ओवर हियर. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आए 3 5s, राइट? नाउ अगेन 3 को 5 से किया तो 7 को भी 5 से करना पड़ेगा. देन 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 5 3s, सो 5 into 3, अगेन 23 को भी 3 से करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 3 into 5 15, वी हैव 7 into 5 is 35 एंड माइनस का साइन. नाउ प्लस 23 into 3, सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9 3 2s are 6, सो हमारे पास आ गया -35 + 69/15, प्लस माइनस माइनस, सो 69 - 35, 69 में से 35 माइनस कर देंगे, 9 - 5 is 4 एंड 6 - 3 is 3, सो हमारे पास आ गया 34. एंड साइन किसका आएगा? इन दोनों में से बड़ा क्या है? 69 के साथ प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. नाउ 34/15. फाइन, सो द आंसर इज 34/15 एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.